गुलबर्गा एचकेई सोसाइटी के अंडर चल रहे एमआरएमसी मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपयों के घोटाले में की गई एफआईआर के बाद एमआरएमसी कॉलेज से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस गायब करने की शिकायत पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पिछले महीने 5 अगस्त को एचकेई सोसाइटी के प्रेसिडेंट सचिल जी नमोशी और फॉर्मर प्रेसिडेंट बसवराज भीमल्ली के अलावा फॉर्मर डीन्स डॉक्टर मल्लिकार्जुन भंडारी, डॉक्टर साईनाथ आंदोला और डॉक्टर शना बसप्पा इन 5 लोगों के खिलाफ सीईएन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर होने के बाद सचिल जी नमोशी, बसवराज भीमल्ली और दीगर 3 आरोपियों ने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की थी, पर 5th एडिशनल स्पेशल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज ने बेल को रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल एचकेई सोसाइटी में साल 2009 से लेकर 2018 तक लगातार 9 साल पीजी स्टूडेंट्स के स्टाइपेंड्स और सीट्स अलॉटमेंट करने को लेकर कुल 65 करोड़ 17 लाख रुपये का घोटाला करने का मामला चल रहा है। इस मामले में कई बार स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करते भी देखा गया है। इस केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद सीईएन पुलिस स्टेशन में एक और शिकायत दर्ज की गई कि इन्वेस्टिगेशन में रुकावट पैदा करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ एमआरएमसी कॉलेज से डॉक्टर उदय चिंचोली और डॉक्टर शरण गौड़ा पाटिल ने तमाम डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस को अपने पर्सनल कार में ले जाकर किसी अननोन जगह पर छुपा दिया है। इस शिकायत में साफ कहा गया है कि इस तरह इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस को छुपाना इस बात का सबूत है कि इस कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया है।